जनरल एंट्री देख रहे थे, मैंने आपको कल दो बातें बताई और रिवीजन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप एक दिन के लिए उसे आ कुछ कीवर्ड मैंने बताया। हम लोग परचेस के वक्त दो तरह के परचेस, एक क्या परचेस होगा बेटा, कैश परचेस होगा, और एक कैसे परचेस हो सकता है, क्रेडिट परचेस होगा। क्रेडिट मतलब क्या बेटा, उधार का। तो एक कैश परचेस होगा और एक कौन सा परचेस रहेगा, क्रेडिट। एक सीन क्या रहेगा परचेस के केस में, मुझे बताओ कैश परचेस का एंट्री क्या आएगा जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू दो परचेस क्या होगा। पहली बात तो कैश को डेबिट आएगा ही, रोक लो बोलने से पहले सोचो। परचेज ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 एंड पेड इमीडिएट, ये वाला एंट्री, एंट्री आपका आएगा क्या सर, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, कैश। और क्रेडिट परचेस रहा तो आपका एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, पार्टी मतलब जिससे हमने गुड्स लिया हुआ, तो यहाँ पे यूजुअली किसका नाम लिखते हैं पार्टी, ये बता। अगर परचेस किए हुए गुड्स रिटर्न किए तो उसको कौन सा रिटर्न बोलते हैं, परचेस रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड क्या आउटवर्ड, आउटवर्ड, क्लियर है वाले। और रिटर्न आउटवर्ड का एंट्री क्या था, यहाँ पे आपने देखा था पार्टी अकाउंट डेबिट टू क्या, रिटर्न आउटवर्ड। अब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो तुमको सिखा रहा हूँ, ऐसे अगर किया तो जनरल एंट्री बहुत। अब एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं आपको बताऊं तो एक लक्ष्य, अकाउंट चैप्टर टू बहुत सारे एंट्रीज मैंने आपको करा के दिए। नरेशन क्या होता है मैंने आपको बताया, सिंपल जनरल एंट्री, कंपाउंड जनरल एंट्री बताने की बात नहीं है आपको, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन पे और हर एक चीज पहले बताऊंगा आपने जनरल एंट्री। पहला नरेंद्र कमेंस बिजनेस विद कैश टू पे, कुछ बातें यहाँ पे देखते हैं और मैं आपको हर एक जनरल एंट्री का, पहले तो मैं एंट्री का एक्सप्लेनेशन दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। कभी भी कोई बंदा बिजनेस क्या करेगा बेटा, स्टार्ट, या स्टार्ट का ही और एक वर्ड क्या बेटा, कमेंस। कभी भी बिजनेस चालू किया तो मतलब जैसे यहाँ पे था नरेंद्र कमेंस बिजनेस, कितना कैश दिया था बिजनेस बेटा उसने 80,000। तो हम लोग किसके अकाउंटेंट थे, बिजनेस के कि नरेंद्र के, बिजनेस के। तो हमने क्या देखना है बेटा, एक बात देखनी है कि हमारे बिजनेस में कैश आया है और किसने कैश दिया है, वो नरेंद्र ने, और दिया है मतलब जब बिजनेस में इनिशियली कभी भी बिजनेस में कैश अगर आया, स्टार्टेड बिजनेस अगर रहा तो दो अकाउंट बनते, एक अकाउंट कौन सा बनता है कैश अकाउंट और एक अकाउंट कौन सा बनता है कैपिटल। तो ये बनना सर इतना था हमारा कैपिटल डिस्कस नहीं, कभी भी अगर ऐसे आया मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000 तो तुम्हारे दो अकाउंट क्या होंगे, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट और कैपिटल। मैंने कहा कस्तूरी स्टार्टेड बिजनेस विद 5,000, याद रखने का क्या हो रहा है, स्टार्टेड बिजनेस। अगर ऐसा लाइन आया, कैसा लाइन आला सर, नरेंद्र कमेंस, कमेंस की जगह क्या वर्ड हो सकता है, स्टार्टेड,
बिजनेस विद कैश रुपीज 80,000, तो यहाँ पे दो अकाउंट होगा, एक कैश और दूसरा नरेंद्र वगैरह नहीं, बिजनेस नहीं, क्या रहेगा कैपिटल, दो अकाउंट रहेगा, एक कैश और दूसरा क्या कैपिटल। ये कैसे आता है हमने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया हुआ, लेकिन वापस एक बार बता रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी समझना चाहिए सर, कभी भी स्टार्टेड बिजनेस रहा तो दो अकाउंट रहेंगे, एक कैश और दूसरा क्या कैपिटल। कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल रियल नॉमिनल, कैश इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है बोलो सब एक साथ, डेबिट फॉर क्रेडिट फॉर गोज आउट। और बिजनेस में कैश आ रहा है कि बिजनेस से कैश जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में कैश दे रहा है तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो इस पर कभी भी स्टार्टेड बिजनेस रहा तो कैश अकाउंट को क्या जाएगा डेबिट। और कैपिटल इट इज द रिस्क, मतलब आप गिवर है, मतलब सामने वाला पार्टी क्या है कैपिटल दे रहा है, तो कैपिटल को क्या जाएगा क्रेडिट। तो हमेशा इस तरह के जनरल, इस तरह के ट्रांजेक्शन में तुम्हारा जनरल एंट्री क्या होगा बेटा, इस तरीके से कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा कैपिटल। इतना समझा गया बोल एवरीबॉडी यस और नो। और ये हमने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में, इससे मैंने कहा था कि सेकेंड चैप्टर बहुत बड़ा बेस है, जनरल का फॉर्मेट हमको आ रहा है। देखो इन्होंने इस तरीके से किया, हमको बीच वाला कॉलम आपको नहीं कंसिडर करना है, पांच कॉलम देखो क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट कैपिटल। नरेशन क्या है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, डेबिट कॉलम में 80,000, कैश के आगे, क्रेडिट कॉलम में 80,000, इसके आगे कैपिटल। इतना क्लियर है, बाकी ये इस तरीके से क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट इन्होंने लिख दिया, तो रियल और पर्सनल हमने देखा। दूसरा ट्रांजेक्शन कौन से तारीख को बात रहेगा, दिन है, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण रुपीज 40,000 ऑन कैश की क्रेडिट, क्रेडिट कौन से दो अकाउंट है, ओके क्यों परचेज से बेटा, क्योंकि गुड्स से के असेट है गुड्स, और गुड्स रहा तो हम कौन सा अकाउंट देते हैं परचेज, अगर असेट रहा तो हमने परचेज लिया होता नहीं, हमने कौन सा अकाउंट लिया होता असेट अकाउंट, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और क्योंकि कैश नहीं है मतलब क्रेडिट है, किसका नाम आएगा किरण का, तो यहाँ पे दो अकाउंट, एक परचेज और एक क्या किरण। तो सर पहले में ये प्रोसीजर है, जनरल एंट्री ऐसी हवे में नहीं आती, पहले आप तुम्हारा ये बगौर आगे कितने अकाउंट इन्वॉल्व आए, त्याच्यात दोन अकाउंट आए, एक परचेज आणि एक किरण, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक अकाउंट कौन सा बेटा परचेज और एक अकाउंट क्या है किरण। अब जनरल एंट्री तो ऐसी होगी ना, एक को डेबिट देना है एक को क्रेडिट देना है, लेकिन डेबिट पे एक थोड़ी ना रट्टा मारेंगे, वो तो रूल्स पे आएगा। बताओ मुझे परचेज कौन सा और किरण कौन सा, ये स्टेप टू, आपने दिमाग में इतना सोचना ही है इनिशियल, नहीं सोचोगे तो भी तो एंट्री आ जाएगी। मुझे बताओ नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड असेट, क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। और जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो तो आपका क्या होता है खर्चा होता है, तो परचेस क्या हो जाएगा एक्सपेंस, तो इसीलिए परचेस अकाउंट को इस जनरल एंट्री में क्या जाएगा डेबिट। और किरण, अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर आप परचेस कर रहे हो फ्रॉम किरण से, मैं अगर कह रहा हूं कस्तूरी से मैंने ये पेन परचेस किया, कस्तूरी रिसीवर है कि गिवर है, गिवर, तो आप जिससे भी परचेस करते हो व्यक्ति कौन होता है गिवर, तो यहाँ पे किरण कौन हो गया गिवर, तो लॉजिकली किरण को क्या जाएगा क्रेडिट, समझा। परचेस अकाउंट को डेबिट गया और मुझे पता है किरण इज कौन सा पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और किरण ने मुझे गुड्स दिए है, तो इसका जनरल एंट्री क्या आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू किरण अकाउंट 40,000, 40,000 बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्या बेटा किरण। चलो देख लेते हैं, तीन तारीख का ट्रांजेक्शन, परचेस अकाउंट डेबिट टू, मैंने कहा था ना थोड़ा दूर लिखने का, टू किरण्स अकाउंट, परचेस नॉमिनल है, किरण कौन सा है पर्सनल, हमें शायद बनाने की जरूरत नहीं है, पहला इलस्ट्रेशन इससे उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। डेबिट 40 क्रेडिट 40, ये समझा रहा था। नरेशन देख, बीइंग वर्ड लगाते हैं, बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्या क्रेडिट, क्लियर है यहाँ पे, वेरी नाइस। चलो फिर कौन से तारीख का ट्रांजेक्शन आया, 10 सोल्ड सॉरी 5 पेड रेंट रुपीज 5,000, बहुत ही सिंपल है, कौन से दो अकाउंट है
कैश और रेंट सेकेंड चैप्टर में दिखा था, याद आ रहा है क्या? ओके, इसलिए मैंने कहा था कि सेकेंड अच्छे से करो, थर्ड अपने आप हो जाएगा और सेकेंड का पूरा बैकअप अपने पास। जैसे ही पेड वर्ड आया तो पेड या और एक वर्ड क्या बोला था मैंने, रिसीव्ड। ये शब्द आ ले तो समझो कैसे कैश ट्रांजेक्शन आए, एक अकाउंट तो डेफिनेटली कौन सा आएगा, कैश। यहाँ पे पेड है तो एक अकाउंट क्या आ गया बेटा, कैश। एक अकाउंट आ गया कैश, और दूसरा बट ऑफ दिस कौन सा अकाउंट आएगा, रेंट। जरा मुझे बताना ये कौन सा अकाउंट है, कैश पर्सनल रियल नॉमिनल का, कैश इज रियल अकाउंट, और रेंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। ये आप डायरेक्ट रट भी सकते हो, लेकिन रटना क्यों है, रियल अकाउंट का रूल बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सर अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास कैश है, ये मैं पेड कर रहा हूँ कस्तूरी मैम को, तो ये जब मैंने पेड किया मेरे पास आया है कि गया है, तो पेड करने के बाद कैश जा रहा है, तो गोस आउट के हिसाब से कैश को डेबिट आएगा कि क्रेडिट आएगा, क्रेडिट। और रेंट नॉमिनल है, नॉमिनल के रूल बोलो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और मैंने जब वो कैश दिया तो मेरे लिए इनकम था कि एक्सपेंस था, एक्सपेंस था, तो रेंट देना एक्सपेंस है, इसीलिए एज पर नॉमिनल अकाउंट इसको क्या आएगा बेटा, डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री पहले क्रेडिट बाद में डेबिट दिया तो चलेगा क्या, नहीं। जनरल एंट्री का सीक्वेंस क्या, पहले आप डेबिट दो तो आपका एंट्री क्या बनेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड, बराबर है, ऐसे एंट्री आना चाहिए। चलो देख लेते हैं सर, देख लेते हैं क्या है, चलो देखो हम देखेंगे, 5 तारीख रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन क्या है, Being paid for rent। आप कुछ भी लिखो, ट्रांजेक्शन से मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे बोलते सर नरेशन लिखता है, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ सर, कैश इज विच अकाउंट, नॉमिनल, सर रेंट इज विच अकाउंट, नॉमिनल, कैश इज विच अकाउंट, रियल। और इनमें से बार बार दिखना नहीं आपको, सिर्फ यही पे आपको क्योंकि समझे, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते सर तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा, दूसरा भी गलत नहीं है, अब बोले अभी ये कैसे आ रहा सर, उनको लगता है 10 पेजेस लर्न कर लेने का, ऐसे ही होता है, ऐसे है क्या, नहीं, ठीक है। 2012 चलो 10 तारीख को जाते हैं हम लोग, 10 तारीख को क्या हुआ, सोल्ड, सेल है, यस, क्या है, असेट है कि गुड्स है, गुड्स है, इसके कौन सा अकाउंट आएगा, सेल अकाउंट, असेट होता तो कौन सा अकाउंट आता, असेट अकाउंट, सेल लेते नहीं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास 55,000 ऑन क्या बेटा, क्रेडिट, ये क्रेडिट है तो कैश आएगा क्या, नहीं, अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो किसका नाम आएगा, पार्टी का। तो दो अकाउंट कौन से हो गए बेटा मुझे बताना, एक अकाउंट हो जाएगा सेल्स अकाउंट, ऐसा क्यों, लॉजिक हमको पता है, क्योंकि क्या बेचे हैं, गुड, यही अगर असेट बेचे होते तो सेल्स लेते नहीं, हम असेट अकाउंट लेते, असेट टू पार्टी, समझ में आया, यहाँ पे क्या बेटा, गुड्स, इसलिए एक आ गया कौन सा अकाउंट, सेल, और दूसरा कौन सा अकाउंट आ गया, विकास, क्यों, अगर ये कैश होता तो विकास आता क्या, नहीं, ये क्रेडिट है इसीलिए पार्टी का नाम आया, अगर कैश होता तो क्या आता, कैश, तो विकास आता नहीं, ये बहुत सिंपल बात है, चीजों को समझो, नहीं तो सर मैं अगर बोल रही ना सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास 55,000 अगर मैं लिखता ना ऑन कैश, ऑन वही लिखता ऑन कैश, तो क्या होता बताए, सेल अकाउंट डेबिट टू, मतलब सेल और कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन ये कैश नहीं, ये क्या बेटा, क्रेडिट, इसीलिए किसका नाम आएगा, विकास। तो फिर अब एक सेल अकाउंट और दूसरा अकाउंट क्या आ गया, विकास, डेबिट क्रेडिट देना है सर, थोड़ी ना रट लेंगे सर, सेल कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, विकास कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, और नॉमिनल पर्सनल के डेबिट क्रेडिट के रूल है, नॉमिनल रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और मैंने सेल किया, सपोज मैंने मैम को अभी ये सेल किया होता, मैंने बोला मैडम ये पेन आप दो और आप मुझे पैसा दो, तो मैम ने पैसा दिया, मैंने उसमें पेन दे दिया, तो जब मैंने सेल किया मेरे पास कैश आ रहा है कि जा रहा है, तो सेल करना, पहले तो सेल इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम, और सेल इनकम है इसीलिए सेल को क्या आएगा बेटा, क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है, इनकम को क्या जाएगा, क्रेडिट, और कैश विकास कौन सा अकाउंट रहेगा, पर्सनल, और विकास पर्सनल का रूल है, बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और मैंने सेल किया है तो सामने वाला पार्टी है जिसने परचेस किया, और रिसीवर है कि गिवर है, मेरे एंगल से मत देखना, मैंने किसे सेल किया है, विकास को, अगर तुमने विकास को सेल किया तो विकास रिसीवर है कि नहीं, यस, और इसीलिए रिसीवर है तो क्या जाएगा, विकास को डेबिट, तो एंट्री क्या होगी बोलो, तो विकास अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या एंट्री समझी गया,
डेबिट क्रेडिट के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा एंट्री रटनिंग से नहीं होगा। एक सम आप रट सकते हो, दूसरा रट सकते हो। जिंदगी में मैंने कहा ना, कल एक वीडियो डाला था, आपने पूरा देखा होगा क्या, अगर आई होप आपने देखा होगा, क्या देखने का कोई चांस नहीं, आप देखते नहीं लिंक आने के बाद। वो ग्रुप में जो वीडियो डाला था क्यों डाला था, मैंने ये बताया था कि 2022 2023 24 से जो जर्नी चालू हो रही है वो कब खत्म हो रही है, 2030 में। आप 7 साल आपको पढ़ना है एटलीस्ट, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कॉमर्स नहीं पढ़ना है तो इज्जत से 11 में ध्यान दो, क्योंकि आज जनरल एंट्री नहीं समझेगा 7 साल तक नहीं समझेगा, और जिंदगी के अगले दम तक नहीं समझेगा। जनरल एंट्री कैसे करना, यहाँ पे पहले तो दो अकाउंट ढूंढे, एक सेल्स और एक क्या विकास। डेबिट क्रेडिट रटना नहीं, पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल याद करो। तो जनरल एंट्री होगा मेरा विकास अकाउंट, डेबिट तो क्या बेटा सेल। चलो देख लेते हैं सर कौन सा तारीख था, 10। इसको कनेक्ट करके लिखने का, विकास प्रेजेंटेशन देख लो, विकास अकाउंट डेबिट सेल थोड़ा दूर, टू सेल्स अकाउंट पर्सनल नॉमिनल, ये पहले स्तंभ में लिखना, आगे के इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कॉलम जर्नल में नहीं है, ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने दिया, ठीक है। तो विकास तो क्या क्या, डेबिट इसलिए डेबिट कॉलम में लिखो, और क्रेडिट का अमाउंट कौन से कॉलम में लिखोगे, क्रेडिट, ठीक। चलो बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन आ रहा है सर, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 30,000 एट 18% जीएसटी, और इसमें बहुत मेहनत की हम लोगों ने। चलो पहले तो ये बताओ, क्या ये ट्रांजेक्शन गुड्स का है या असेट का है, क्या खरीदा है, वेरी गुड। फर्नीचर मतलब क्या होता है बेटा, असेट। तो एक चीज तो पता है, परचेज अकाउंट आएगा क्या, नहीं, एक अकाउंट क्या आएगा, फर्नीचर, ये हो गया। दूसरा, कितने में खरीदा है, 30,000, क्या पार्टी का नाम दिया है, नहीं, तो डेफिनेटली ये कौन सा ट्रांजेक्शन रहेगा बेटा, कैश, कौन सा ट्रांजेक्शन रहेगा, कैश, तो दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा, कैश। और जीएसटी, जब भी जीएसटी दिया है हम लोग उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कौन सा, एक सीजीएसटी और एक कौन सा, एसजीएसटी, और ये जो 18% का है वो 2% में डिवाइड हो जाता है, 9% एंड 9%। लेकिन जब मैंने परचेस किया तो इनपुट क्या, आउटपुट, इनपुट, मैंने कहा था कैसे दिमाग लगाओ, अगर गुड्स आए हैं तो आ रहे हैं तो इनपुट है ना, इनपुट, और बेचना मतलब आउटपुट, तो परचेस पे लगने वाला जीएसटी कौन सा रहेगा, इनपुट। तो सर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, नॉट आउटपुट। तो मेरे टोटल अकाउंट हो गए कितने, 4। डेबिट क्रेडिट देना है मेरे को कुछ भी नहीं आता, तो मैं तो पहले आइडेंटिफाई किया वो अकाउंट लिख देता हूँ। पहला अकाउंट मैंने आइडेंटिफाई किया परचेस नहीं, क्या आएगा बेटा, फर्नीचर। दूसरा अकाउंट डेफिनेटली पार्टी का नाम नहीं दिया, ऐसे भी नहीं दिया पेड, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो कौन सा ट्रांजेक्शन रहेगा, कैश, तो दूसरा अकाउंट हो गया कैश। तीसरा और चौथा मैं एक ही लिखता हूं, दैट इज जीएसटी, और आप इसे क्लासिफाई कर दो तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, कोई दिक्कत नहीं, इसको ही सब क्लासिफिकेशन। ओके, पर्सनल रियल नॉमिनल, मेरे को बताओ कौन सा अकाउंट, फर्नीचर इज विच अकाउंट, कैश इज रियल, और जीएसटी है कौन सा अकाउंट है, नॉन, कौन सा अकाउंट बेटा, कितना क्लियर है, ओके बिल्कुल क्लियर है, यस। रूल बोलने बाकी कुछ नहीं, रियल अकाउंट का रूल क्या, डेबिट वॉर कम्स इन, क्रेडिट वॉर गोज आउट, डेबिट वॉर कम्स इन, क्रेडिट वॉर गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब जरा शांति से, आपने परचेस किए कि सेल किया, परचेस किया तो फर्नीचर आया होगा कि गया, आपने बिजनेस ने लिया होगा, तो डेफिनेटली फर्नीचर रियल अकाउंट और आ रहा है, फर्नीचर को तो क्या आएगा, डेबिट। फर्नीचर खरीद के आपने कैश क्या है, दिया है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, और कैश अगर जा रहा है तो डेबिट की क्रेडिट, क्यों, डेबिट वॉर कम्स इन, क्रेडिट वॉर गोस आउट, तो कैश को तो क्या आएगा मालिक, क्रेडिट, ये तो फिक्स हो गया सर, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, इतना होता तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, जीएसटी। अब हमको कैसे कैलकुलेट करना, कितने के असेट थे बेटा, 30,000 पे कितना टक्का, कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, मोबाइल पे आप करना मत, कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, आप फिलहाल मोबाइल पे निकाल लेते हो, पेपर में जाते हो तो लग जाते, अवॉइड करो, बिना मोबाइल के कैलकुलेट करना है, गलत हुआ तो चलेगा, कैसे निकालोगे, डिवाइडेड बाय क्या करना है, 100,
क्या करेंगे देखो, एक जीरो गया, 18 का टेबल आता होगा, संख्या पूछता हूँ, 18 जीरो का 18 जीरो का 83 का पक्का, अच्छा 54, लेकिन एक कौन सा अमाउंट है बेटा, टोटल जीएसटी का। आप मुझे बताना, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैंने ये बोर्ड, ये डिजिटल बोर्ड खरीदा था, ठीक है, डिजिटल बोर्ड का प्राइस कितना था, 2 लाख, और उस पे जीएसटी लगा 18, तो कितना होता है 36,000, कितना होता है 2 लाख पे 36,000, मैं एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण। तो मैंने जब डिजिटल बोर्ड खरीदा तो मैंने 2 लाख रुपए दिए रहेंगे या 2,36,000 दिए होंगे, 2,36,000, क्योंकि सामने वाला जीएसटी का पैसा भी मेरे से लेता। तो अब मैंने जब फर्नीचर खरीदा 30,000 का, जिसपे जीएसटी 18% एक्स्ट्रा लगा, तो मैंने कितना पैसा दिया रहेगा, 30,000 की 30,000 प्लस 5,400, 35,400, कितना पैसा दिया रहेगा मैंने, 35,400, मानते हो कि नहीं मानते हो, यस 35,400 में दो एलिमेंट, एक तो मैंने क्या खरीदा बेटा, फर्नीचर, और ये कि किसका पैसा दिया, जीएसटी। अब जीएसटी कौन सा, पर्सनल रियल नॉमिनल, नॉमिनल, और जीएसटी पेड करना मेरा इनकम एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो क्या आएगा, जीएसटी को डेबिट, ऑलरेडी बहुत पहले मैं सिखा चुका हूं। तो एंट्री क्या बनेगी पता है आप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले जो आता है वो लिख देता हूँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर का एक्चुअल कॉस्ट कितना था, 30,000, अब आया है परचेस किया है, तो कौन सा इनपुट क्या आउटपुट, इनपुट, पर इनपुट ना परचेस किया तो इनपुट, तो मैं लिखूंगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, सर कितनी है ना, तुम्हें पूर्ण अमाउंट काटने 5,000, तुम्हें आला 2 पार्ट मध्ये डिवाइड कर, कितना आता है 5,400 को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 2,700 और 2,700, सर ये कंपल्सरी असं करावंच लागतं का, हो आपण अज्युम करतो की आपण जे पण ट्रान्झॅक्शन केले विद इन स्टेट किया बिटवीन स्टेट किया, विद इन स्टेट, और विद इन स्टेट है तो कौन से जीएसटी लगते हैं, 2 CGST और SGST, लेक्चर मिल जाए नहीं, लेक्चर में सब एक्सप्लेन किया था बराबर है, तो आप इसलिए बैकअप देखो, जो भूल गए वो सारे लेक्चर देखो, हर एक लेक्चर आप देखोगे तो आपको उतना दिन का जो थे वो भी देखो, जो नहीं थे वो तो देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर रहा तो दिक्कत नहीं मारेंगे, नहीं तो बच्चों को यही लगता सारा 5,400 निकाला सर, तो हम लोग यहाँ पे पूरा 5,400 लिखे क्या, नहीं यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी बेटा, इनपुट सीजीएसटी 2,700, इनपुट एसजीएसटी 2,700, टू क्या पेड किया बेटा मैंने, टू भी अकाउंट कैश, कितना पेड किया, 35,400, ये हो गया तुम्हारा पूरा जनरल एंट्री, इसको कंबाइंड जनरल एंट्री बोलते हैं, इसमें एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट आते हैं। वापस देखो शांति नरेश ने कहा ना, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्या बेटा, क्या अच्छा जीएसटी कितना परसेंट, 18%, हम देख भी ले गया, अब एंट्री तो पहले ये समझा था 20,000 2,700 समझा, हमने अमाउंट कितना निकाला था 5,700, 2,700 की हो गया 2 बार में डिवाइड किया पूरे जीएसटी, ओके सर अब हमको ये आपने समझा दिया है, अब जरा देखेंगे कि उन्होंने ऐसे ही एंट्री पास की है क्या या कुछ उल्टा कर दिया, सर उल्टा उल्टा कौन सी तारीख का था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,700, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,700, टू कैश पूरा दिया कितना सर, 35,400, बीइंग परचेस फर्नीचर एट 18% जीएसटी खत्म, ये तो नरेश ने उसमें से उठाया होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम सिंपल बात, 2 बार नहीं मैं 1,000 बार बताऊंगा, मतलब तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे आए हो तो अपना एक कॉलेज भी है, यहाँ पे किसी बच्चों को लग रहा होगा ना पीछे बैठ कर कि सर सर समझने की कोशिश करो, लेकिन कभी कभी कुछ दिन ऐसा होता है कि पता नहीं लेकिन ध्यान नहीं लगता, तो लेक्चर का रिकॉर्डिंग आप देखो फिर भी नहीं समझ रहा, मेरे पास आके बैठो मैं पढ़ा हुआ, लेकिन इसको ऑप्शन नहीं है, रटना नहीं है कभी, समझना है, क्योंकि एक बार समझे ना अकाउंट में, ऐसे में 1,000 ट्रांजेक्शन दू, जिसको कंसेप्ट समझे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, जिसने रटा है ना उसको फर्क पड़ेगा, उसको लगा सर 1,000 ट्रांजेक्शन मुझे 1,000 बार नहीं, नहीं एक कंसेप्ट डन है ना, आपने कितने में तुमको लिखते आना क्या बताओ, क्वेश्चन में इनपुट सीजीएसटी इनपुट एचजीएसटी ध्यान से देखना, 15 तारीख के ट्रांजेक्शन में आपको ऐसे कुछ दिखा क्या, क्या था सिर्फ परचेस फर्नीचर ऑफ 30,000 एट जीएसटी 18% टैक्स, ये हमारा कंसेप्ट था,
जिसने बोला अगर परचेस है तो कौन सा जीएसटी रहेगा, इनपुट, और जीएसटी कितने पार्ट है, दो, सी जीएसटी और एसटी। क्लियर है बेटा? तो इससे आपका एंट्री। अर्थात रिसीव्ड विद चेक, बेयरर चेक ऑफ रुपीज 25,000 फ्रॉम मिस्टर विकास। याद रखना बेटा, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट में तुमको बताने चाह रहा हूँ। चेक मैंने पढ़ा है, क्रॉस चेक, बेयरर चेक, और बेयरर चेक इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है, कैश। एक बात और, रेंट, ये तुमको आता है, दो अकाउंट क्या रहेगा बेटा, एक कैश और एक रेंट, अभी अभी आपने बोला, लेकिन मैं ऐसे लिखता पेड रेंट बाय चेक, तो कैश की जगह कौन सा अकाउंट आ जाता, बैंक, और एक कैश आ जाता रेंट। तो जो आपकी नॉर्मल एंट्री बनी थी ना, आपने लिखा था क्या, रेंट टू कैश, ऐसे लिखा था ना, तो कैश की जगह अगर चेक से दिया तो कैश ना आते हुए क्या आ जाएगा बेटा, बैंक, रेंट टू बैंक। ये रूल है कि जब आप चेक से पेमेंट करते हो तो आप कैश की जगह क्या अकाउंट लिखते हो, बैंक। इतना ही रूल है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपने चेक से पेमेंट किया तो कैश ना आते हुए का येणार तिथं बैंक, बट बेरर चेक आल्यावर बैंक लिहायचं नाही। बेरर चेक म्हणजे इक्विवेलेंट टू काय असतं, ते कॅश। सिंपल आहे, तुम्हाला आता बेरर चेक म्हणजे कॅश मिळाली आहे, ते बेरर वर्ड आहे म्हणून, कोणाकडनं, विकास, एक अकाउंट है विकास, एक अकाउंट है कॅश, लिख लेते कैश और विकास। मेरे को तो आता ही नहीं डेबिट क्रेडिट में, तो अभी पर देखो बेसिक पे जाऊंगा कि कैश कौन सा अकाउंट है, विकास कौन सा अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट देना बताओ, रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्या आएगा कैश को, मेरे मैंने रिसीव्ड किया है कि पेड किया है, रिसीव्ड मतलब आना कि जाना, तो डेबिट की क्रेडिट, कैश को जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द क्रेडिट द गिवर, क्या क्या है विकास, रिसीवर है कि गिवर, गिवर है, तो क्या जाएगा, तो एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू विकास रिसीव। क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट नरेश Being received bearer check from Vikas। ये लर्न करना पड़ा क्या, नहीं ये तो कहा था ट्रांजेक्शन, ऑब्जर्व करो ट्रांजेक्शन को बींग वर्ड लगाओ, लिखो नरेशन, बच्चे बोलते सर ये बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, जो समझेगा जो स्मार्ट स्टूडेंट उसको पता है नरेशन मतलब उसको ही शॉर्ट में लिखना है, तो बींग रिसीव्ड विद चेक, बेयरर चेक फ्रॉम विकास हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो किरण को देना पड़ेगा, आए कि नहीं आए, इसका फर्क बताओ, अभी यहाँ पे रिसीव, यहाँ पे क्या है, पेड, पेड टू किसे, किरण को, कैसे दिया, चेक, कौन से बैंक का चेक, देना है, यहाँ पे रिसीव था चेक लेकिन क्या नाम था, बेरर, कभी भी बेरर चेक रहा तो आप बैंक नहीं लोगे, क्या लोगे, कैश, लेकिन सिर्फ चेक रहा तो आप कौन सा अकाउंट लोगे, बैंक, कैश की जगह कौन सा अकाउंट लोगे, बैंक, तो पेड टू किरण बाय चेक और देना बैंक रुपीज का बेटा 20,000। यहाँ पे दो अकाउंट आ गए, एक कौन सा अकाउंट आ गया बेटा, किरण अकाउंट, और एक कौन सा आ गया, चेक मतलब कौन सा अकाउंट, बैंक, एक किरण और ये कौन सा बैंक मतलब बीच बैंक, देना, एक कौन सा अकाउंट आ गया और एक कौन सा अकाउंट देखा मैंने, देना। तुम अभी बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो, लेकिन ढोकलो तुम क्या करोगे, गलती पता है, जैसे पेड़ देखा बोले कैश, सुकना अगर वो कैसे पेड़ किया हुआ है, चेक्स, तो कैश आएगा नहीं, फिर बैंक का नाम लेना, लेकिन वो चेक कौन सा चाहिए, नॉर्मल, अगर बेरर चेक आया तो फिर क्या लिखोगे, कैश। ये कुछ बेसिक बात है जो आपको जब लेक्चर करोगे तो ही समझे। अब मुझे किरण कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, और देना बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, तो बताओ डेबिट क्रेडिट, किरण को ही बता दो, एक को डेबिट तो दूसरा अल्टीमेटली क्रेडिट ही जाने वाला है, किरण को क्या जाए, कौन सा अकाउंट है, रूल क्या है, पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पेड टू किरण, अगर मैं किरण को पे कर तो किरण रिसीवर है कि गिवर, रिसीवर, तो किरण को क्या जाएगा, डेबिट, देखो कभी भी कंफ्यूज हो तो बेसिक का सहारा लेना, दिक्कत नहीं, और किरण को डेबिट तो डेफिनेटली गिवर को नहीं, बैंक, बैंक को क्या आएगा, क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगा, किरण अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं क्या, देना, देख लो इतना सिंपल है।
किरण अकाउंट्स डेबिट टू देना बैंक कंपनरेशन बीइंग पेड टू किरण बाय चेक 20,000 तो डेबिट क्रेडिट कॉलम में आएगा। लास्ट ट्रांजेक्शन तुम बोलोगे सर ऐसे आ गया तो हमको आउट ऑफ पास होने का 15 मार्क्स का समय था जनरली तुमको सिंपल लग रहा है मे बी ऐसा मुझे लगता है अगर तुमने सेकेंड चैप्टर एकदम से किया है नहीं भी किया लेकिन मैं बताया सुना कि तुमने नहीं भी किया होता तो भी समझ लेकिन किया है और वापस वैसे ही बता रहा हूँ तो डबल समझे ठीक है। पेड क्या बेटा सैलरी चेक पे दिया है क्या नहीं पेड मतलब कैश सैलरी सैलरी दो अकाउंट आ गए कैश और सैलरी कैश इज विच अकाउंट नॉमिनल सॉरी कैश इज रियल सैलरी इज विच अकाउंट नॉमिनल कैश पेड है तो आ रहा है कि जा रहा है जा रहा है तो रियल जा रहा है गोज आउट क्रेडिट सैलरी नॉमिनल डेबिट और एक्सपेंसेस है लॉस तो एंट्री क्या होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 75% आपके जनरल में कितने कॉलम बनेंगे बेटा 5 पर्टिकुलर एलएफ डेबिट आपको एलएफ का कॉलम हमेशा छोटा निकालना कुछ कुछ बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आता पर्टिकुलर छोटा सा बनाते हैं एलएफ इतना बड़ा बना देते हैं अमाउंट इतने बड़े बड़े करते हैं आपको समझो आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है ओके माने तो आपको ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ जो भी पार्टी का नाम है नरेंद्र अब देखो कैसे ये समझे से दिया था जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर इसीलिए जब आप फॉर्मेट बनाओगे उससे पहले आपको क्या लिखना है इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जर्नल क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन मत लिखो उन्होंने बोला रहेगा तो ठीक है लेकिन ठीक है आपको नहीं लिखना आपने उन्होंने पहला दिया इसलिए दिया है दूसरा ट्रांजेक्शन अगर आपको देखा तो ध्यान में आपके आ जाएगा ये नोट्स भी अब बैलेंस चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम विकास बैलेंस चेक रिसीव्ड ये क्या ट्रीट होगा बेटा एज द कैश रिसीव्ड रियल अकाउंट है विकास गिवन पर्सनल अकाउंट है कैश अकाउंट डेबिट विकास अकाउंट क्रेडिट रिटर्न चेक 2000 पेड बाय देना बैंक के रूप में रिसीव पर्सनल अकाउंट और डेबिट है मतलब भाई हां तो जब नॉर्मल चेक आएगा तो उसे क्या करेंगे हम लोग क्या ट्रीट करेंगे बोलो क्या ट्रीट करेंगे नॉर्मल चेक आया तो बैंक के ट्रीट ठीक है डिस्काउंट के इंटरेस्ट बता रहा है लेकिन क्या आपको ये पूरा समझा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा क्या करना है सर अब मैं बताने के बाद भी बच्चे बोलेंगे सर आया तो समझा लेकिन अभी नरेंद्र नरेंद्र कमिंग बिजनेस विद कैश थैंक यू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ऐसे होना चाहिए एक लेवल बात ये तो अभी पहले बच्चे में तो अपन देख रहे हैं लेकिन सीधा एंट्री आना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल परचेज गुड्स फ्रॉम किरण 40,000 ऑन क्रेडिट purchase goods from Kiran 40,000 on credit goods है तो क्या आएगा purchase account debit पर cash नहीं credit to Kiran paid rent 2000 rent account debit to cash but rent nominal debit जाएगा cash होता ठीक है फिर sold goods to Mr. Vikas on credit sale है goods है ओके ठीक है credit पे Vikas Vikas account debit to sales विकास इज रिसीवर डेबिट द रिसीवर और सेल क्या है नॉमिनल इनकम होना समझ में आ रहा है इस तरीके से होना चाहिए एंट्री क्या होगा बेटा विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स परचेज फर्नीचर 30,000 एट जीएसटी 18% सर बहुत गलत है वो तो आ गया बिल्कुल फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश बोला कैश received bearer check 25,000 from Vikas bearer check is equivalent to kya cash isliye phir aayega cash account debit to Vikas Vikas is given credit and bearer check aa raha cash check aaya to bank paid to Kiran by check of kya dena bank agar aap check se paid kar rahe ho Kiran ko kaun se bank se dena bank so kisi bearer bula hai kya nahi ye mere bahut important hai dekho bearer बेरर नहीं बोला सिंपल पेड किया किसको किया सर किरण को तो किरण अकाउंट डेबिट सर किरण को डेबिट की जब भी ढूंढ लो तुमने उसे पेड किया तो कौन होगा रिसीवर डेबिट द रिसीवर किरण अकाउंट डेबिट टू देना बैंक पेड सर क्या है कैश बोलते पेड क्या तो कैश को डेबिट क्यों हो जाएगा ढूंढ लो
डेबिट और कम से क्रेडिट और टू था अपना सैलरी अपना सैलरी बीच अकाउंट नॉमिनल सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या कैश क्लियर है नरेंद्र कमेंट बिजनेस इज क्या एंट्री क्या बिजनेस क्या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल परचेज गुड्स फ्रॉम किरण 40,000 ऑन क्रेडिट परचेज अकाउंट डेबिट टू किरण पेड रेंट 2,000 तो मजा आएगा तभी पेपर में आपको इतना टाइम नहीं आप बोलोगे पर्सनल रियल नॉमिनल भाई इतना पढ़ लो कि आपको फिर जैसे काम कुछ देखा आ जाना चाहिए देखो पढ़ने का तरीका पहले कंसेप्चुअल बता गया अब स्मार्ट तरीका कंसेप्चुअल हो गया पेपर में तो वही करने बैठेगा हो गया टाइम ही खत्म इतने लेवल पे बढ़ना है कि तुमने जैसे पढ़ा सोल्ड गुड्स दिमाग में इधर कैलकुलेशन करने चाहिए सोल्ड गुड्स गुड्स विकास क्रेडिट तो विकास आएगा विकास पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर सेल इज नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल मतलब एंट्री होगा विकास अकाउंट डेबिट टू सेल मैं क्या चेंज करूंगा सोल्ड गुड्स टू आपका नाम क्या आ जाएगा सोल्ड गुड्स टू वैष्णवी और रुपीज 6,000 ऑन क्रेडिट क्या एंट्री होगा परचेस पे तो कौन सा होगा इनपुट और परचेस पे खर्चा इसलिए जीएसटी को क्या जाएगा डेबिट सेल पे जीएसटी होता तो क्या जाता क्रेडिट मैंने बताया था ऐसे याद हो एंट्री होगा क्या परचेस गुड्स से की असेट तो परचेस अकाउंट आएगा नहीं फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट सी जीएसटी डेबिट इनपुट एस जीएसटी डेबिट टू कैश परचेस बिल्डिंग ऑफ रुपीज 1,18% जीएसटी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट इनपुट सी जीएसटी डेबिट इनपुट एस जीएसटी डेबिट टू कैश परचेस टेबल ऑफ रुपीज 1,18% जीएसटी टेबल अकाउंट डेबिट इनपुट सी जीएसटी डेबिट इनपुट एस जीएसटी डेबिट टू कैश आपको ये समझना चाहिए परचेस और परचेस ऑफ असेट और गुड्स रहता तो आप परचेस अकाउंट देते यहाँ पे क्या था असेट तो असेट अकाउंट रिसीव्ड बेरर चेक और रुपीज 2,00,000 फ्रॉम सपोज सौम्य बेरर चेक या सौम्य क्या फर्क नहीं पड़ता भाई बेरर चेक आया मतलब क्या कैश अकाउंट डेबिट किसे या सौम्य को मैं आपको कैश अकाउंट डेबिट टू सौम्य रिसीव्ड बेरर चेक फ्रॉम रेहान 1,00,000 का क्या एंट्री होगा रिसीव्ड बेरर चेक मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू रेल रिसीव्ड बेरर चेक ऑफ रुपीज 1,80,000 फ्रॉम श्लोक कैश अकाउंट डेबिट टू श्लोक अरे इधर मैंने कहा ना कंसेप्ट देखो ये तो लास्ट ट्रांजेक्शन में लिख के तुमको होमवर्क ही देना ना मैं तो टाइप कर दिया फटाफट कॉपी पेस्ट मार के 100 समझे बोले पास कर जाते लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ पहली बार तुमने ठीक है वो देखा पर्सनल है रियल है नॉमिनल है पेपर में इतना टाइम होता है क्या नहीं तो इसीलिए आप इस लेवल पे एक्सपर्टीज होने का कि ट्रांजेक्शन पड़ा तो आपको समझ में आना चाहिए जहां पे कंफ्यूजन वहां पे हो जैसा मेरे पेड़ सा सैलरी टू खत्म सैलरी नॉमिनल अकाउंट सॉरी सैलरी टू कैश सैलरी नॉमिनल अकाउंट कैश का हो गया तुम्हारा रियल अकाउंट सैलरी एक्सपेंस कैश जा रहा है गोदम पेड रेंट रेंट टू कैश पेड सैलरी सैलरी टू कैश पेड लाइट बिल टू कैश जहां जहां पेड है कैश जा रहा है कैश को कंपलसरी क्या आएगा क्रेडिट क्रेडिट ना टू कैश और जो ये अकाउंट है सैलरी रेंट उसको क्या आएगा डेबिट बिकॉज कौन सा अकाउंट है ओके नरेंद्र कमेंट्स बिजनेस विद कैश टू कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल परचेज गुड्स फ्रॉम किरण 40,000 एंट्री क्या है परचेज अकाउंट डेबिट टू किरण याद रखना किरण को डेबिट नहीं दोगे तुम सोचो परचेज तुम्हारा एक्सपेंस है और गुड्स है इसके परचेज को क्या दिया
डेबिट और किरण को क्रेडिट क्यों दिया? सोचो अभी लिखना नहीं है, किरण इस बीच का पर्सनल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, उससे परचेस किया तो उसने दिया ना जिंदगी भर पेड़ रेंट अमाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल हो गया ना, ये जितना सिंपल हुआ ना उतना ही सब सिंपल होना चाहिए तो मजा आएगा, इसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए इधर ऐसे में सोल्ड गुड्स टू विकास 55,000 क्रेडिट विकास अकाउंट डेबिट टू सेल सर कॉस्ट चेक कर लो विकास इज पर्सनल या नॉमिनल पर्सनल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर विकास इज रिसीवर और गिवर रिसीवर बाय रिसीवर क्योंकि तुमने उसे क्या किया सेल और कोई मुझे सेल करेगा उसको मिलेगा ना और सेल पर्सनल या नॉमिनल नॉमिनल और सेल करना क्या होता है इनकम तो क्या विकास अकाउंट डेबिट टू सेल क्योंकि गुड्स से इसलिए सेल है ऐसे होता तो परचेस क्या फर्नीचर कितना 30,000 ऑन जीएसटी परचेस गुड्स से के फर्नीचर विकास अकाउंट डेबिट इज रिसीवर टू बैंक नॉर्मल चेक बेरर चेक नहीं देना सैलरी सैलरी टू सबको हाथ में बोलना पहला एंट्री क्या बोलो बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक परचेज अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट डेबिट टू ऐसे एंट्री आना चाहिए तुमको बाद में बोलो सर ऐसे मतलब इतना फास्ट तुम्हारा कैलकुलेशन दिमाग में चलना चाहिए तो मजा तो तुम होशियार हो नहीं तो कंपटीशन में किसी भी सफल नहीं करेंगे सोल्ड गुड्स टू विकास 55,000 क्रेडिट फटाफट सोल्ड विकास अकाउंट डेबिट टू सेल परचेस फर्नीचर 30,000 जीएसटी अपने लिए सिंपल है फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट होता तो टू पार्टी ठीक है जिससे लिया रिसीवर बैलेंस चेक ऑफ 25,000 कैश अकाउंट डेबिट टू पेड टू किरण चेक अब देना है बेरर ने नाम किरण अकाउंट डेबिट टू पेड रिवर्स में जाए पेड सैलरी इंटरव्यू सैलरी टू कैश पेड टू मोहन बाय चेक ऑफ रुपीस देना है क्या मोहन टू देना रिसीव्ड बेरर चेक ऑफ रुपीस 30,000 फ्रॉम कृष्णा कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा इतना बता रहा फिर भी क्या गलती कर रहे हो सोचो ना दिमाग लगा रटो नहीं क्या बोल रहा मैं क्योंकि आपका वो स्पीड इतना लेके आना है कि आपको रिसीव आपको सोचो आपके पास डिफिकल्ट है तो आपकी हेल्प इतना एक्सपेक्ट करना लेकिन भाई मेहनत नहीं करा होगा तो आप ऐसे पढ़ोगे ही नहीं सम सॉल्व करने के बाद आपने ऐसे पढ़ा कि एग्जाम में टाइम नहीं है और पढ़ाई का यही तो मतलब है कि आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया अब जो लिखना है मतलब अभी तुमको AK-47 चलानी है सामने वाला बंदूक ले गया तुम मस्त उसको देख ले पढ़ाई करूंगे भाई चलाऊंगे अब और इतना अगर टाइम लगाओगे अलगर सीखोगे तो तुम सामने वाला मानी चला जाएगा डन हो गया बताओ परचेज मोटर कार में रुपीज 1,00,000 एट 10% चीज मोटर कार इनपुट इनपुट सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रेहान एट रुपीज 1,00,000 ऑन क्रेडिट मिस्टर रेहान अकाउंट डेबिट टू सेल मोबाइल बिल ऑफ रुपीज 2,000 मोबाइल बिल अकाउंट डेबिट टू परचेज गुड्स फ्रॉम कोहली रुपीज 40,000 ऑन क्रेडिट परचेज अकाउंट डेबिट टू कोहली महेंद्र सिंह धोनी कमेंट बिजनेस में रुपीज कैश रुपीज 1,00,000 कैश अकाउंट कुछ भी ना आने दो इसके 10 सम बन सकते हैं एंट्री में कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्या कह रहे ये वाला सम एंट्री पास कर लो प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ चलो जर्नल का कहते ये वाला टाइप का पता में बनाओ क्या बनाओगे डेट पर्टिकुलर एलए डेबिट अमाउंट रुपीस क्रेडिट अमाउंट रुपीस लेकिन उसके ऊपर क्या लिखोगे इन द बुक्स ऑफ जिसका भी नाम रहेगा नरेंद्र जर्नल विद तस्वीर जर्नल लिखना आगे कुछ लिखने का नहीं जर्नल पर्टिकुलर नहीं पर्टिकुलर्स ये एल एल के आगे डॉट एफ के आगे डॉट बच्चे आते एल एफ लिखते एल के आगे डॉट एफ के आगे डॉट कैपिटल में कि स्मॉल में नहीं तो चलते कि एल एफ क्या लिखते कुछ समझ में नहीं आता फिर डेबिट अमाउंट रुपीज रुपीज आर एस लिखा है रुपीज का सिंबल दिया बैठा है सिंबल ऐसे लिखना होता आर एस रुपीज सिंबल ब्रैकेट
क्रेडिट अमाउंट रुपीज, पूरा अमाउंट का कंपल्सरी लिखने अमाउंट का। अगर बच्चे क्या करते उनको बताता ढाई गाई लेते ना तो ऐसे लिखते हम। करोगे ये ट्रांजेक्शन पूरा ओके। चलो अब आपको होमवर्क नहीं, अभी क्या होमवर्क होगा ना, अभी ठीक है ये लिखो जिनका पेपर है उनको लगता है पेपर है कितने होते हो छोड़ के पास नहीं था इस चैप्टर को आप ही नेक्स्ट क्वेश्चन बताए चैप्टर वगैरह तो डूबे हैं पर बुला तो पढ़ के आना चाहिए हो जाना ठीक है। एक आप कहते हैं आप सम सॉल्व करो बाकी सब पेपर देंगे या आप घर पे सॉल्व करोगे दो मिनट डर पढ़ लो पाँच मिनट सही मतलब कॉलेज।